हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को काउंटर वेटिंग टिकट और ऑनलाइन वेटिंग टिकट के बारे में बताने वाला हूं। इन दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है और आई टिकट्स क्या होता है और ई टिकट्स क्या होता है, तो मैं आप सभी को बता दूं। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो इन सभी के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए खास करके बनाया हूं। तो जैसे मैं आप सभी को बता दूं कि जो आई टिकट्स होता है वो रेलवे का, मतलब रेलवे काउंटर का टिकट को हम लोग आई टिकट बोलते हैं, और ई टिकट जो होता है उसको जो हम लोग ऑनलाइन मोबाइल से और कंप्यूटर से बुकिंग करते हैं उसको ई टिकट कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ई टिकट जो होता है, मतलब जो मोबाइल और कंप्यूटर से जो बुकिंग किया जाता है वो ई टिकट, ऑनलाइन टिकट। अगर आपका एक भी वेटिंग लिस्ट रह जाता है चार्ट लगने के बाद, तो आप उस टिकट पर ट्रेवल्स नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको TT फाइन कर देगा, ठीक है। दूसरा होता है आई टिकट, मतलब काउंटर टिकट। काउंटर रिजर्वेशन टिकट में अगर आपका वेटिंग लिस्ट 50 भी है, 60 भी है, 100 भी है, अगर एक भी है, तो आप उस टिकट पर आप ट्रेन में ट्रेवल्स कर सकते हैं विदाउट फाइन। आपको कोई फाइन वाइन नहीं लगेगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि अगर आप बाई द वे, जैसे कि ऑनलाइन टिकट क्या होता है कि चार्ट लगने के बाद ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, तो आपका जो भी रिफंडेबल अमाउंट होता है आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जैसे कि आई टिकट, मतलब काउंटर का टिकट लिए हुए होते हैं, और वो उन लोगों को कंफर्म सीट ही चाहिए। जैसे कि वो लोग 10-12 वेटिंग लिस्ट बुकिंग करवाता है कि मेरे को 10-12 तो वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो ही जाएगा, मैं ट्रेन में सफ़र करूँगा। तो वो लोग उसी होप में बैठे रहते हैं कि मेरा सीट कन्फर्म हो जाएगा। बाय द वे, किसी कारण सीट कन्फर्म नहीं होता है तो वो लोग अपना प्लान चेंज कर देते हैं कि नहीं, मेरे को ट्रेन में नहीं जाना है, मेरा टिकट वेटिंग रह गया। तो वो लोग क्या करता है कि उस टिकट को जिस दिन, मतलब ट्रेन रहता है उस दिन ना जाकर वो लोग नेक्स्ट डे काउंटर पे जाता है, तो उन लोगों को रिफ़ंड नहीं मिलता है। रिफ़ंड इसलिए नहीं मिलता है कि ट्रेन खुल जाने के बाद आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ट्रेन का जो चार्ट लग गया है, चार्ट लगने के, ट्रेन खुलने से पहले और चार्ट लगने के बाद भी, अगर आप कोई भी नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर जाकर आप टिकट दिखाते हैं कि मेरे को, मेरा जो टिकट है वेटिंग लिस्ट रह गया है तो मुझे नहीं जाना है, तो वो आपको आपका 60 रुपया, मतलब चार्ज काट के स्लीपर में, और थर्ड एसी का जो कैंसिलेशन चार्ज होता है वो काट के आपको आपका रिफंडेबल अमाउंट आपको दे देते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास में आई टिकट, मतलब काउंटर टिकट अगर आपके पास में है, वो चाहे वेटिंग हो या कन्फर्म हो, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अगर बाई चांस गलती से भी अगर आपका टिकट घर पर रह गया हो या खो गया हो, उसके बाद भी आप मोबाइल का मैसेज से ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो आपको उस पर भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। TT आपसे फाइन ले सकता है, क्योंकि आपका जो आई टिकट, मतलब काउंटर टिकट जो है, वो फिजिकली आपको TT को दिखाना पड़ता है। अगर आप वो नहीं दिखाएंगे तो वो आपको चालान कर देगा, ठीक है। और आपसे बता दूं कि जो वेटिंग टिकट होता है, काउंटर टिकट और ऑनलाइन टिकट में डिफरेंट ये भी होता है कि रेलवे सबसे पहले अपना काउंटर टिकट को कंफर्म करती है, बाद में वो ई टिकट को कंफर्म करती है। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी को हमारा ये जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।